इस समय सनी देओल की पांचों उंगलियां घी में हैं। गदर 2 की कामयाबी के बाद उनके पास एक से बढ़कर एक ऑफर्स है और अब चर्चा है कि गदर 3 की तैयारियां भी जल्द शुरू होने वाली है। दरअसल दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट पे सोर्सेस के हवाले से बताया गया है कि सनी देओल एक बार फिर से तारा सिंह बनकर ऑडियंस पर छा जाने को तैयार है। गदर 2 की बम्पर सक्सेस को देखते हुए इस फिल्म के मेकर्स इसके तीसरे पार्ट में ज्यादा देरी नहीं करने का फैसला किया है। अगर सब कुछ मेकर्स के प्लान के मुताबिक रहा तो टीम जल्द ही इस पर काम शुरू कर देगी। रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया है कि गदर 3 का बैकड्रॉप बनारस में शूट किया जाएगा। इसके साथ ही फिल्म की 14 से 15 दिनों तक वहां अलग अलग लोकेशंस पर शूटिंग होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक नवंबर से इसकी शूटिंग शुरू कर दी जाएगी। खबरें ये भी हैं कि गदर 3 में उत्कर्ष शर्मा और सिमरत कौर की कहानी को एक नए प्लॉट के साथ लाया जाएगा। इस फिल्म में सनी अमीषा की जोड़ी फिर से गहर भर पाएगी। हालांकि इस बार विलेन की चर्चा जोरों पर है। कहा जा रहा है कि मनीष वाधवा के बेटे ही विलेन बनेंगे और वो बाप का बदला लेंगे। वहीं फिल्म के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर राणा भाटिया का कहना है कि अगले पार्ट की कहानी क्रैक हो चुकी है, ऐसे में इसको लेकर तैयारियां भी शुरू हो जाएंगी। आपको बता दें कि साल 2024 में गदर 3 की ऑफिशियल अनाउंसमेंट की जाएगी। खबरों की माने तो ये अगस्त 2025 के आसपास रिलीज हो सकती है। अब देखते हैं कि तीसरी बार तारा सिंह क्या गदर मचाता है।